जब छोटा से प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग देखे हैं और वो आगे गए तो खुशी की बात है, और गांव का नाम रोशन किए, जिला का नाम रोशन किए हैं, बहुत खुशी की बात है। जब 3 साल का ही वैभव था उसी समय सिर्फ बड़ा दिलचस्पी था, मना करने पर भी अब बल्ला और बॉल पकड़ लेता था। खेल के क्षेत्र में संघर्ष होता ही रहता है, संघर्ष किया, मेहनत किया, लेकिन ऊपर वाला ने आज सबका फल मिला। हमारे गांव में वैभव के चयन से बहुत ही खुशी का माहौल है और यहां के जितने ग्रामवासी हैं बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तना वैभव सूर्यवंशी तुम लोगों के साथ खेलता था, आज जो है IPL में चुना गया, तुम लोग क्या कुछ कहोगे? बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग खेले उन लोग के साथ, हम लोग बैटिंग करवाए, बॉलिंग करवाए हैं, यही नेट में बॉलिंग हुआ था और वो IPL में गए हैं तो खुशी की बात है। और अभी और आगे बढ़े और अच्छा बात है, और बहुत सारा प्रैक्टिस भी किए, जब छोटा से प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग देखे हैं और वो आगे गए तो खुशी की बात है, और गांव का नाम रोशन किए, जिला का नाम रोशन किए हैं, बहुत खुशी की बात है। वो और आगे जाए, हम लोग यही दुआ करेंगे, हम लोग भी सोच रहे कुछ करें उसके लिए, बहुत आगे जाए वो वैभव सूर्यवंशी। साथ में खेलते थे आप जी, तुम्हारी क्या अपेक्षा है? हमारी अच्छा है कि बहुत आगे बढ़े, खुशी की बात है, दुआ देंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? मोहम्मद समीर। वैभव सूर्यवंशी अब जो है IPL खेलेगा, क्या कुछ कहोगे? नहीं, वो हमारे साथ भी खेलते थे, वो हम कभी कभी आते थे, बॉल भी कराते थे, वो हमारे प्रैक्टिस से वो अच्छा हुआ, चयन हुआ, पूरा बिहार का नाम किया और पूरा देश का भी नाम किया। तुम लोग क्या सोचते हो अब? पूरा गांव का भी नाम किया। मेरा सोच यही है कि और ऊँचा जाए, सबका रिकॉर्ड तोड़े, उसकी तरह बनना चाहते हो? जरूर। क्या नाम हुआ? साहिल बाबू। आपके गांव के वैभव सूर्यवंशी को IPL ने सबसे कम उम्र में जो है IPL में चुना जाने वाला राजस्थान की ओर से जो है खिलाड़ी है, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? वैभव सूर्यवंशी शुरू से ही क्रिकेट के लिए वो लगनशील था, और सबसे अगर अधिक है तो उनके पिता जो है उनका देन है, और वो अपने पूरे जिंदगी को अभी तक न्यौछावर कर दिए उस बच्चे पर, और हम लोग ये कामना करते हैं कि ये विश्व में नाम करे। धन्य। क्या नाम हुआ आपका? गांव मोतीपुर। पोता है। कौन लगेंगे आप? हमारा पोता है वो। सूर्यवंशी को सबसे कम उम्र में वो IPL के लिए चुना गया खिलाड़ी है, क्या कुछ कहिएगा और क्या पूरे गांव में माहौल है? हमारे गांव में वैभव के चयन से बहुत ही खुशी का माहौल है और यहां के जितने ग्रामवासी हैं बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं, और ये हमारे जिला और राज्य और देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज ये छोटा सा बच्चा पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है। इस नाम रोशन करने के पीछे उनके पिताजी संजीव सूर्यवंशी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको इस खेल के क्षेत्र में लाने में, त्रासने में और इस मुकाम तक पहुँचाने। कितने वर्ष की उम्र से वो खेलता था? वो उससे तो मैं बालकाल से लगभग 6 वर्ष से उनसे ही भैया को उनको खिलाते हुए देखा हूँ, और भैया उनके लिए जी जान से अपना मेहनत और परिश्रम किए हैं, और बच्चा भी बहुत ही परिश्रमी और मेहनती था, इसलिए आज वो मुकाम पर पहुँचा है। और इसी के साथ मैं आने वाले समय में भी उसका क्रिकेट के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य की कामना है। कितना संघर्ष, छोटा सा उम्र और क्या कुछ संघर्ष रहा? खेल के क्षेत्र में संघर्ष होता ही रहता है, संघर्ष किया, मेहनत किया, लेकिन ऊपर वाला ने आज उसका परिश्रम का फल मिला, ये हम लोग के लिए प्रसन्नता की बात। उसका बचपन से क्या कुछ करने का इरादा था और कैसे जो है क्या कुछ करता था? घर में भी रहता था तो क्या कुछ करता था? घर में और बच्चों के तो वो भी रहता था, लेकिन हमारे भैया चाह रहे थे कि वो भी अपने टाइम के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा। उनका मन था कि मेरा बच्चा भी आगे क्रिकेटर बने, तो उसको क्रिकेट के क्षेत्र में लाए और क्रिकेट खेलाए। क्या नाम हुआ आपका? राजीव सूर्यवंशी। अब क्या है उनके? उनके मैं चाचा हूँ। बताइएगा कि आपका जो है पोता जो है उसे जो है IPL में चुना गया है राजस्थान की ओर से, क्या कुछ कहिएगा? जी, मैं पहले आप सबों की बधाई हो, आप लोग पहले बधाई दिए और साथ साथ देश और जिला के लिए बधाई हो। और यह बच्चा जो है, यह छोटा सा उम्र, जब 3 साल का ही वैभव था उसी समय सिर्फ बड़ा दिलचस्पी था, मना करने पर भी अब बल्ला और बॉल पकड़ लेता था, डांटते भी तब भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है हम खेलेंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ पूरे देशवासियों के लिए भी, यह आगे भी इसी तरह करते रहे। और भैया
बताए कभी जो है आप जो है क्रिकेट खेलता था तो डांटते उठते भी थे? जी डांटते तो थे। अच्छा कभी कभी उसको मार देते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है हम खेलेंगे, ठीक है बाबू तब खेलो। आज धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते गए कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले, तब से हम भी प्रत्याशित करने लगे। आज क्या, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तो हमको बहुत डर लगता है, हमको क्या पूरा देशवासी को गर्व है, हम भगवान से कामना करते हैं इसी तरह गर्व का यह बच्चा देश दे रहे। क्या नाम हुआ आपका? उषा सिंह। एक मिनट।